तो यार सीएमपी वाला तो बना चुका हूँ, अब एडीसी की बारी आती है ठीक है, यानी कि एलएलबी 3 ईयर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का। बहुत सारे आप सबके डाउट आए हैं, तो सीएमपी से स्टार्ट किया था, अब एडीसी की बारी आ चुकी है ठीक है। नेक्स्ट वाली जो है मेन कैंपस की होगी, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की, साथ साथ मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कट ऑफ बताऊंगा यानी जो पहली कट ऑफ आएगी, साथ साथ आखिरी कट ऑफ क्या होगी, ये दोनों चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ ठीक है। डिस्क्लेमर के तौर पर आपको शुरू में बता देता हूँ कि एक दो नंबर ज्यादा हो सकता है, एक दो नंबर कम हो सकता है, एग्जैक्टली यही सेम कट ऑफ नहीं रहने वाली है, लेकिन इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरा लगातार 6 साल से वीडियो बना रहा हूं लेकिन आज तक कभी भी मेरी कट ऑफ पे वीडियो गलत नहीं हुई है, तो यार इस बार भी नहीं होने वाली है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, ज्यादा आपको मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एडीसी का स्टार्टिंग कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जनरल का जो कट ऑफ रहेगा 160 के लगभग आपको देखने को मिलेगा ठीक है, पहली कट ऑफ में बात कर रहा हूँ। 160 से जो है एक दो नंबर ज्यादा ही रहेगा, लेकिन ये 160 के करीब आपको देखने को मिलेगा जनरल का कट ऑफ, पहली कट ऑफ ठीक है। ओबीसी वालों की बात कर तो ओबीसी 155 से लेकर 160 के बीच में आपको पहली कट ऑफ देखने को मिल सके, एडीसी की एलएलबी की पहली कट ऑफ। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों का, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 155 से लेकर 160 के बीच में आपको देखने को मिलेगा पहला कट ऑफ। एससी वालों की बात करो तो एससी वालों को 100 मार्क्स, और एसटी वालों की बात करो तो शुरुआत में ही जो है सभी बच्चों को बुला लिया जाएगा ठीक है। जैसे आपको पता है सीएमपी में एसटी में जो है आखिरी में सभी का एडमिशन लिया गया था, लेकिन एडीसी में जो है शुरुआत से ही सभी का एडमिशन लिया जाएगा एसटी वालों में ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है एडीसी की ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जिसका नाम है विधि एकता संघ, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है ऑल ओवर इंडिया, सोच सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के बच्चे रहते हैं क्या मतलब कि वहाँ पे हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ एलएलबी और बीएलएलबी और एलएलएम और पीएचडी लेवल तक के बच्चे वहाँ रहते हैं। रहने का मतलब क्या, मतलब वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत रहती है आपस में हम लोग शेयर करते हैं, जो भी कुछ दिक्कत होती है, जो कोई सोल्यूशन निकलता है, जो भी कोई बातें होती है, क्या चीजें गलत हो रही है, क्या चीजें सही हो रही है, सब कुछ वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया जिसका नाम है विधि एकता संघ, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ वहाँ पे गिव अवे भी चल रहा है स्टीकर का ठीक है, आप अपनी गाड़ी में भी जो है विधि एकता संघ का स्टीकर लगा सकते हैं, फ्री में आपको दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एडीसी का लास्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जनरल से, तो जनरल का जो आखिरी कट ऑफ रहने वाला है एलएलबी का, वो 150 नंबर रहेगा। जी गाइस, 150 नंबर तक आपकी कट ऑफ गिर सकती है एलएलबी की जनरल कैटेगरी से ठीक है एडीसी कॉलेज में। उसी के साथ साथ जो है ओबीसी की जो है 145 से लेकर 150 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है आखिरी कट ऑफ एडीसी की। स्टार्टिंग वाली जो थी 155 से 160 के बीच में थी, लेकिन जो आखिरी कट ऑफ निकल के आएगी 145 से 150 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी एलएलबी 3 ईयर कोर्स का। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों का। जी गाइस, ईडब्ल्यूएस वालों 150 नंबर आपको देखने को मिल सकती है एडीसी की आखिरी कट ऑफ, 150 नंबर ईडब्ल्यूएस वालों का। अब हम लोग बात करते हैं एससी वालों का, तो एससी वालों का आपको खुशखबरी के तौर पर बता दूं, सुनहरा मौका है आपके पास कि अगर आपको एडमिशन लेना है एडीसी में या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए आपको, तो एससी में जो लगभग उम्मीद है आखिरी कट ऑफ तक सभी के एडमिशन ले लिया जाएगा। एससी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं वो निश्चिंत हो जाएंगे। जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, साथ जहां पे मैंने डिस्कस किया सब चीजें, जहां से कट ऑफ निकल के आ रही है, सब कुछ वहां से मैं डिस्कस करने के बाद आपको बता रहा हूं कि एससी की जो कट ऑफ हो सकती है वो सभी का एडमिशन लिया जा सकता है आखिरी में एडीसी कॉलेज में ठीक है, सॉरी एडीसी में। ये तो गया एससी वालों का, साथ साथ एसटी वालों को तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि एसटी वालों का सभी का एडमिशन लिया जाएगा आखिरी कट ऑफ से लेकर स्टार्टिंग के कट ऑफ से ही ठीक है। तो एसटी वाले निश्चिंत हो जाइए, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं मिली जाएगा ठीक है। तो यार फाइनली मैंने आपको जो है जितने प्रॉमिस किया था एडीसी का बनाने का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आखिरी कट ऑफ और साथ साथ स्टार्टिंग कट ऑफ, मैंने आपको दोनों तरीके से प्रोवाइड कर दिया। सीएमपी डिग्री ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका, अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक पड़ा होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो ठीक है। बाकी अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है विधि एकता संघ ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर जरूर ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा सब लॉस रिलेटेड वीडियो रहेंगी ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप अगले नई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।